हर स्पोर्ट्स की जरूरी न्यूज पाने के लिए वेलकम टू यूट्यूब चैनल न्यूज पीडी। आज का स्पोर्ट्स अपडेट में बताऊंगा एफसी गोवा की हेड कोच के बारे में और कुछ इस बेंगल की आईएसएल एंट्री के बारे में और ट्रांसफर अपडेट और इस बेंगल की हेड कोच के बारे में। एफसी गोवा ने साइन कर लिया है नया मैनेजर जॉन फर्नांडो, जो कि सेर्गियो लोबेरा की जगह लेगी। जब से सेर्गियो लोबेरा चले गई तब से एफसी गोवा सर्च कर रही थी नया हेड कोच के लिए जो एफसी गोवा स्टाइल ऑफ प्लेइंग के सिमिलर हो। जब एफसी गोवा हेड कोच पोस्ट के लिए सर्च करना शुरू किया तब से एफसी गोवा को 100 से ज़्यादा एप्लीकेंट मिले जो सभी हाई प्रोफाइलिंग कोच था फुटबॉल की दुनिया में, पर उनमें से एफसी गोवा को सबसे ज़्यादा जॉन फर्नांडो को इंटरेस्ट दिखाया जो स्पेन से बिलोंग करता है। जॉन फर्नांडो की फुटबॉल करियर की बात करें तो छोटे उम्र में ही सोनी परी थी इंजुरी की वजह से। फिर उसने मैनेजर करने के लिए ठान लिया और कार्टिलियन साइड सीए पार्मिया से मैनेजर के रूप में मैनेज किया। फिर उसके बाद मलंगा बी टीम को भी मैनेज किया और भी बहुत सारे क्लब को मैनेज किया जैसे शेरिफ, तिरासपुल, इरागोटेलिस जैसे क्लब और कल्चरल ल्यूनेसा जैसे क्लब को भी मैनेज किया। फिर भी इन सभी क्लब को मैनेज करके भी उसका इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। फिर 2017 में ग्रीस का एक क्लब बोल्बोस एफसी, जो ग्रीस थर्ड डिवीजन लीग में खेलता था, उसमें चला गया। 2017 से 2020 तक मैनेज किया उस टीम को और उसने बोल्बोस एफसी को थर्ड डिवीजन लीग के चैंपियन बनाया और सेकेंड डिवीजन लीग में प्रमोट कराया और हाल ही में सेकेंड डिवीजन लीग के भी चैंपियन बनाकर फर्स्ट डिवीजन लीग में लेकर आया जो कि ग्रीस के टॉप टियर लीग है, और यही उसकी मैनेजर करियर का बड़ा अचीवमेंट था। जॉन फर्नांडो ने स्पेनिश के कुछ क्लब और नॉर्वे के कुछ क्लब और ग्रीस में बोल्बोस एफसी और कुछ क्लब को मैनेज किया और अब इंडिया में इंडियन सुपर लीग साइड की एफसी गोवा टीम को मैनेज करने वाली है अगले सीजन से। और उसकी प्लेइंग स्टाइल और मैनेजिंग करियर को देखते हुए एफसी गोवा ने साइन किया होगा। वैसे ही एफसी गोवा को 2021 की एएफसी चैंपियन लीग में डेब्यूट करना था, इसीलिए एफसी गोवा ने जॉन फर्नांडो को अपॉइंट किया होगा जो कुछ कर दिखाने के लिए क्षमता रखता हो। इस नया कोच जॉन फर्नांडो के बारे में क्या राय है आप लोग जरूर कॉमेंट करना। इस बेंगल एफसी ISL 7 2021 में क्या एंट्री करेगा? यह सवाल बहुत महीनों से चल रहा है जब से मोहन बागान मार्च किया है एटीके एफसी के साथ। चलो कुछ अपडेट डिटेल्स में जानने के लिए पूरी वीडियो देखिए। कुछ दिन पहले बहुत जोरों शोरों से ट्रांसफर मार्केट में हल्ला मचा रही थी इस बेंगल एफसी। हर दिन नया नया प्लेयर की अपडेट और रूमर्स निकल रही थी और सभी फैनों की इंटरेस्ट जाग रही थी कि इस बेंगल एफसी भी ISL 7 में एंट्री करेगा। फिर एक अपडेट आया कि वेस्ट ईस्ट बंगाल ने सभी प्लेयर की कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दी जो कि फोर्स मेजोरी को एक्टिवेट करके, और ये भी न्यूज़ निकल के आया है कि क्वेस्ट और इन्वेस्ट नहीं करेगा इस बंगाल एफसी में। पर यह न्यूज़ इतना क्लियर से नहीं बताता कि इस बंगाल एफसी इस बार भी ISL 7 में एंट्री नहीं करेगा। इस बंगाल को स्पॉन्सर देने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी मदद कर रहा है। हाल ही में न्यूज़ आया कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कोविड-19 लॉकडाउन से पहले कुछ इन्वेस्टरों से मीटिंग किया, मगर बात कितनी आगे तक गए ये पता नहीं चला। लॉकडाउन की वजह से कुछ ठीक से बता नहीं पाया। कुछ सूत्रों के अनुसार इस बेंगल एफसी बहुत सारी स्पॉन्सर को लेकर ISL 7 में एंट्री करने वाली है, मगर एक दिक्कत आती है कि इस बेंगल को 5 सालों के लिए बैंक बैलेंस दिखाना पड़ेगा FSGL को, जो कि ISL की ऑर्गेनाइजर है। कुछ अपडेट अनक्लियर की वजह से ठीक से बता नहीं पा रहा है क्या इस बेंगल एफसी मल्टीपल स्पॉन्सर के साथ ISL में एंट्री करेगा या फिर क्वेस्ट जैसा बड़ा कंपनी इन्वेस्टर के साथ। इन सभी दिक्कत के कारण भी इस बेंगल एफसी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बलवंत सिंह को एटीके एफसी से साइन कर लिया और उमित सिंह, जो इंडियन ओरिजिन है, ईरान के एक क्लब में खेलता था, उसे भी साइन कर लिया ऐसा सुनने में आया। और भी बहुत सारा प्लेयर को जैसे गिरी घोसला पंजाब एफसी से, सेना सिंह एटीके एफसी से, गुरतेज सिंह को हैदराबाद एफसी से साइन करने वाली है। और एक अपडेट आया है कि इस बेंगल एफसी ने मारियो रोबेरा, जो कि फॉर्मर हेड कोच रह गया इस बेंगल एफसी में, उनको अपॉइंट करने वाली है। और फेब्रुअरी 29 के लास्ट मैच की बात कुछ इस बेंगल एफसी की मैनेजमेंट ने मारियो रोबेरा के साथ मीटिंग किया है अगले सीजन के लिए।
मैनचेस्टर यूनाइटेड एफसी ने कैंसिल कर दिया प्री सीजन मैच खेलने के लिए ईस्ट बंगाल के साथ कोलकाता में जाकर। अचानक से क्यों हुआ, उसका कारण कोविड-19 महामारी बीमारी की वजह से सब कुछ बंद हो गया और पूरी दुनिया में लॉकडाउन किया गया। यह न्यूज़ सुन के सभी इंडियन फैंस को दुख तो हुआ होगा, क्योंकि ऐसा मौका कभी नहीं मिलने वाला थी किसी बाहर का बड़ा क्लब इंडिया की मिट्टी में आकर मैच खेले। और दूसरी तरफ से देखो तो अगर इस बंगाल एफसी को मैच ऑर्गेनाइज करना पड़ा तो बहुत लॉस में जाता, क्योंकि उनकी इन्वेस्टर क्वेस्ट ने संबंध तोड़ दिया था और मैनचेस्टर यूनाइटेड एफसी को इनवाइट करने के लिए लगभग 30 करोड़ देना पड़ता। फिलहाल आज के लिए वीडियो इतना तक ही। टाइम निकलकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।